हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिए थे और आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन जो है एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए, आज से हम लोग ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होगी वो होगी टेस्ट की, सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है पहले हम बता देते हैं, फिर हम लोग इसमें टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन, और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं और कितने उसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें कि मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और हेनरिज लॉ, उसी में एक लॉ आता है हेनरिज लॉ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और राउट्स लॉ क्या होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद आएगा लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, अगर हम देखें तो जो भी मैटर्स हैं, जो भी मैटर हमारे आसपास हैं, उन मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा चीज समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 8 से 10 नंबर क्वेश्चन जो इसे बोर्ड में आता है। तो जो मैटर होते हैं, मैटर जो होते हैं, इनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं केमिकल बेसिस पर, एक करते हैं फिजिकल बेसिस पर। तो फिजिकल बेसिस पे जो मैटर होता है वो तीन तरह का होता है, मतलब मैटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और होता है, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो खैर, हम लोग को वो दो नहीं पढ़ना है, हम लोग को तीन ही पढ़ना है। फिजिकल स्टेट कौन कौन होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। उसके बाद हम देखिए, जो केमिकल बेसिस पर जो मैटर होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, मतलब केमिकल बेसिस पर मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन, तो एक होता है प्योर मैटर, एक होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है मिक्सचर। दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। देखो, मिक्सचर क्या है, प्योर मैटर क्या है। तो प्योर मैटर में हम फिर इसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट और क्या बोलते हैं, कंपाउंड। देखो, एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे कि वैसे मैटर जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हों, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारे जो ये अर्थ है, जो यूनिवर्स, इसमें हम लोग को अभी 118 नॉन एलिमेंट्स हैं, मतलब 118 नॉन एलिमेंट हमको पता है, उनका नाम हमको पता है। आगे अभी और भी खोजे जाएंगे और ऐड होते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को 118 एलिमेंट के बारे में पता है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, तो वैसे मैटर जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हों, जिनमें अलग अलग एटम प्रजेंट नहीं हो, एक ही तरह का एटम हो, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जब यही एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं, जब यही एलिमेंट एक रेशियो में, एक निश्चित रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में मिलते हैं, तब जो बनता है उसे कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि, अच्छा, एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पता ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर 118 तक अनऑक्टियम होता है, तो वहां तक जो है वो क्या है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखिए, आपको इसमें 1 से 20 तक, मतलब 1 टू 20 एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, उसके बिना ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रहना ही चाहिए। तो खैर, तो अब जब एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में, ठीक है, आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम, तो H2O क्या है, कंपाउंड है। कैसे, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में मिला हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन हुआ है। अब बताओ, अगर हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के दो एटम से कंबाइन हो, तो क्या H2O बनेगा, नहीं बनेगा। H2O कब बना है, जब हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन हुआ है, मतलब एक फिक्स रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। वैसे मान लो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 को क्या बोलते हैं, पढ़े पिछले चैप्टर में H2O2 का हाइड्रोलिसिस। तो खैर, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर भी हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में आपस में मिले हुए हैं, तो 2:2 के रेशियो में। अगर रेशियो 2:2 का नहीं होगा, तो क्या H2O2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मतलब जब एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं, तब क्या बनता है, तब कंपाउंड बनता है।
ठीक है, चीज हो गया केमिकल बेसिस के आधार पर प्योर मैटर के बारे में। अब हम बात करें अगर मिक्सचर के बारे में, तो मिक्सचर क्या है, तो अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिले हुए हों और उनका कोई भी एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हो, ठीक है, कोई उनका फिक्स रेशियो नहीं हो, तो वो जो चीज़ है उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर होता है कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस होता है और एक हेट्रोजेनियस होता है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्या होता है, इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बीकर है, ठीक है, दो ट्यूब है हमारे पास, दोनों में मान लीजिए कि वाटर रखा हुआ है, 100 ml वाटर रखा हुआ है। एक ही मान लीजिए शुगर ऐड किया गया और एक में मान लीजिए ऐड किया गया सैंड, बालू, और दोनों को मिला दिया गया, दोनों को स्टेरिंग कर दिया गया, दोनों मिल गया। मिलने के बाद अब जिसमें शुगर मिला हुआ है, ठीक है, जिस मिक्सचर में शुगर है, वाटर और शुगर का जो मिक्सचर है, उसमें से अगर हम उसका कोई भी सैंपल लें, कहीं से भी, चाहे उसमें नीचे से लें या उसके ऊपर से, उसको कहीं से भी सैंपल लेंगे, तो हर एक जगह जो कंपोजिशन होगा और जिसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसका गुणधर्म, जिसका मिठास होगा, जिसका बनावट, जिसका कंपोजिशन होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब अच्छे से अगर चीनी को मिला दिया गया है वाटर में, शुगर को अच्छे से अगर मिक्स कर दिया गया वाटर में, तो हम कहीं से भी उसको लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो सेम स्वीटनेस का होगा, सेम मिठास होगा। मतलब चीनी एकदम पूरा यूनिफॉर्मली उसमें मिला हुआ है, समान रूप से उसमें मिला हुआ है। जबकि वहीं जिस पानी में बालू मिलाया गया है, जिस वाटर में सैंड ऐड किया गया है, क्या उसमें ऐसा है कि हर एक जगह से लेंगे तो उसका कंपोजिशन सेम ही होगा? नहीं। अगर हम नीचे से लेंगे तो उसके उसमें सैंड ज़्यादा हो, उसके ऊपर से लेंगे तो उससे कम हो, उसके ऊपर से लेंगे तो उससे कम हो, उसके ऊपर से उसमें सैंड हो ही ना। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शुगर वाला जो मिक्सचर है, उसमें क्या है, पूरे मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, कंपोजिशन है, ये जिसका कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है पूरे मिक्सचर में। जबकि जो सैंड वाला मिक्सचर है, क्या उसमें यूनिफॉर्म है? नहीं है। तो ये जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, जिसमें पूरे मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म होता है, उसी को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि सैंड वाले केस में है कि वाटर और सैंड के केस में जो है वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वाटर में शुगर को ऐड किया गया तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, या उसी को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ होल द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो वैसे जो मिक्सचर है उन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए वाटर में शुगर ऐड किए हुए थे, तो वहाँ कितने कंपोनेंट हैं, दो ही कंपोनेंट है, कौन कौन है, वाटर है और कौन है, शुगर है। अगर मान लो कि उसमें वाटर भी है, शुगर भी है, उसमें साल्ट भी ऐड कर दिए, NaCl भी ऐड कर दिए, अब कितने कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे, कौन कौन, वाटर, शुगर और साल्ट। मतलब पहले कितने कंपोनेंट थे, दो, वाटर और शुगर। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसलिए इसको हम लिख नहीं रहे हैं, इसको बेहतर होगा आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिएगा, बेसिक बातें हैं ये सब, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, बेहतर होगा कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके जो जो बात हम बोल रहे हैं उसको अपने वर्ड्स में लिख लिया कीजिए, हमेशा याद रहेगा। अब बेसिक बातें हैं, जहाँ जहाँ आएगा अच्छा डेफिनेशन उसको हम लिख देंगे बोर्ड पे, या इसके अलावा कुछ पीडीएफ नोट्स उसके बाद में मिलेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा नोट्स। खैर, अभी देखिए, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसे क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से स्पष्ट है, बाइनरी मतलब कि दो ही प्रेजेंट रहे तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए वाटर भी है, शुगर भी है और उसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर दिए, तो अब कितने कंपोनेंट हो गए, तीन कंपोनेंट हो गए, उसको बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। इस तरह से मतलब नंबर बढ़ते जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में, 12th क्लास में, हम लोगों को केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करना है। अगर हम बोलेंगे सॉल्यूशन तो आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसे क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है,
अब हम आगे जब भी सॉल्यूशन बोलेंगे इट मींस बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को 12th क्लास में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, उसके आगे का मतलब तीन या तीन से अधिक कंपोनेंट आपको नहीं पढ़ना है, दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे, अब उसमें से एक कंपोनेंट हमेशा अधिक मात्रा में रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है, और एक कंपोनेंट जो है वो लोअर अमाउंट में रहता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर और शुगर था, तो उसमें क्या वाटर और शुगर दोनों सेम अमाउंट में होंगे? नहीं होंगे, अगर होंगे तो मिक्सचर बन ही नहीं पाएगा, है ना। मतलब कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितना वाटर में कितना शुगर मिल सकता है या कितना वाटर में कितना सॉल्ट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा उसमें एक कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहेगा और एक कंपोनेंट कम मात्रा में रहेगा। एक कंपोनेंट अधिक अमाउंट में रहेगा, एक्सेस अमाउंट में रहेगा, और एक जो है लेस अमाउंट में रहेगा। जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में होता है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट, उसको क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। और जो कंपोनेंट लोअर अमाउंट में रहता है, लेस अमाउंट में रहता है, उसको कहा जाता है सॉल्यूट, क्या कहा जाता है उसको? सॉल्यूट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट, देखो दो ही कंपोनेंट है, उसमें से जो अधिक मात्रा में है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। अच्छा ये बताइए, किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड करता होगा? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा या सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, बताओ। जैसे मान लो वाटर में शुगर मिलाया गया, ठीक है, तो वाटर किस स्टेट में है? वाटर है लिक्विड स्टेट में, और शुगर किस स्टेट में है? शुगर है सॉलिड स्टेट में। जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर का जो स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है, वो किस पर डिपेंड किया है? शुगर पर कि वाटर पर? वाटर पर डिपेंड किया है, क्योंकि जो मिक्सचर बना है वो लिक्विड स्टेट में है, है ना। मतलब कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन द सॉल्यूट। मतलब कि जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का रहेगा वही स्टेट, समझे ना, फिजिकल स्टेट कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, जिस स्टेट का जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट किसका होगा? सॉल्यूशन का भी होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें कि सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। सेकेंड हम लोग क्या क्या पढ़ें कि सॉल्यूशन जो होते हैं, तो हम लोग जिस सॉल्यूशन की बात करेंगे वो कौन सॉल्यूशन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा। फिर हम लोग पढ़े कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहता है डैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में रहता है डैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो सॉल्यूशन होता है उसका फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है किस पे? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। तो इतनी बेसिक बातें हुई। अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप के बारे में, ठीक है, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें ब्रॉड एक मीन में देखें तो सॉल्यूशन कितने टाइप हो सकते हैं? तीन टाइप। सॉल्यूशन का तीन टाइप होता है, कौन कौन? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और कौन होता है? गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो देखिए अभी हम बोले थे आपसे कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है किस पे? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट किसका होगा? सॉल्यूशन का भी होगा। तो सॉल्यूशन का अगर हम टाइप देखें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के आधार पर ही बात हो रहा है, तो तीन टाइप का हो सकता है, कौन कौन? एक होगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें बताएंगे आगे एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड कौन है? गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। देखो एक बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्वेंट किस स्टेट का होगा? सॉलिड का। ये लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्वेंट किस स्टेट का होगा? लिक्विड का। और ये गैसियस सॉल्यूशन है मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है वह किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम बात करें सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट हमेशा इसमें सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि अगर हम बात करें सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट इसमें सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैसियस भी हो सकता है,
ठीक है, जबकि सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। वैसे ही अगर बात करें हम लिक्विड सॉल्यूशन में, तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी हम देखें तो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, देखो इसमें देखें तो जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा लिक्विड, सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा लिक्विड, सॉल्वेंट कैसा होगा हमेशा लिक्विड, ठीक है। जबकि सॉल्यूट जो है यह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैसियस भी हो सकता है, जबकि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन का, इसमें भी क्रम देखें तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी गैस, सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी गैस, बट सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मतलब ब्रॉडली सॉल्यूशन कितने टाइप के हुए, तीन टाइप के, कौन कौन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और कौन हुआ गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर सबका सब टाइप देखा जाए तो सॉलिड सॉल्यूशन या फिर तीन टाइप है ना, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉलिड सॉल्यूशन। वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन का तीन टाइप, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली गैसियस सॉल्यूशन का भी तीन टाइप, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस एंड गैस गैस। अब इसका हम एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं सॉलिड लिक्विड का, बताओ बहुत सिंपल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। देखो जो पहले जिसमें एग्जाम में आता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ है वह सॉल्यूट है और जो बाद में लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट है। मान लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड, मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन है लिक्विड और सॉल्यूट कौन है सॉलिड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड लिखा है तो किसी को मान लेंगे सॉल्यूट और किसी को मान लेंगे सॉल्वेंट, ऐसा नहीं करना है। जो बाद में लिखा है वो सॉल्वेंट, जो पहले लिखा है वो सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल क्या हो जाएगा, शुगर इन वाटर। देखो जब शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो शुगर किस स्टेट में है, शुगर है इन द सॉलिड स्टेट और वाटर किस स्टेट में है, वाटर है इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। और दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर इन वाटर, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे बोलते हैं, तो जो ज़्यादा रहता है डेट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट और जो कम रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलिए, क्या वाटर में वायल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम वाटर में वायल को मिलाएंगे तो क्या वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब क्या ऐसा होगा कि पूरे वाटर और वायल का जो मिक्सचर है उसमें एकदम वायल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वाटर में, नहीं पॉसिबल नहीं है, वायल ऊपर आ जाएगा है ना, वाटर नीचे जा जाएगा। तो इससे मतलब कि वो तो एग्जांपल इसका नहीं हो सकता। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल जो होता है इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल, जब अल्कोहल को हम वाटर में मिलाते हैं तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल इन वाटर। वैसे अगर हम देखें गैस लिक्विड, मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन है लिक्विड और सॉल्यूट कौन है गैस, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन गैस इन वाटर, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। देखो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहने का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन एनिमल्स को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो ऑक्सीजन को कहाँ से मिलता है, तो जो वाटर बॉडी है, जो तालाब पोखर जो भी है, लेक है पॉन्ड जो भी है, तो उसमें जो वाटर है उस वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, घुला हुआ रहता है, और उसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो अपने रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। उनमें एक गिल्स स्ट्रक्चर होता है, उसी गिल्स के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर करेंट से, ठीक है। मतलब वाटर उनके अंदर इंटर करता है, उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। मतलब कि वाटर में ऑक्सीजन मिला रहता है। अब यहाँ पर वाटर किस स्टेट में है, इन द लिक्विड स्टेट, और ऑक्सीजन जो है वह है गैसियस स्टेट में। तो ये एग्जांपल हो गया गैस लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हम लोग इधर चलते हैं,
अब है गैसियस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या क्या होगा देखो। पहला है सॉलिड गैस, मतलब कि गैस है सॉल्वेंट फॉर्म में और सॉलिड है सॉल्यूट फॉर्म में। इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, सॉरी हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं, इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। देखो पैलेडियम जो है, ठीक है, पैलेडियम जो है वह किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। सॉरी इसका एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है वह होता है किस स्टेट में? गैसीय स्टेट में। और जो कैम्फर है, कपूर जो होता है, वो होता है इन द सॉलिड स्टेट। तो एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन का। अगर हम बात करें लिक्विड गैस सॉल्यूशन का, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो लिक्विड गैस, इसका एग्जांपल हो जाएगा CFC इन नाइट्रोजन गैस। नाम सुने CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसी गैस का नाम नहीं है, बहुत सारे गैस का मिक्स, मतलब कि ग्रुप कह सकते हैं, बहुत सारे गैस का ग्रुप है ये, बहुत सारे गैसेस हैं उनका ग्रुप है जो कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होता है, इसलिए ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता है। इसमें बहुत सारे तरह के गैस आते हैं। जो सबसे इसमें से डेंजरस गैस होता है वो होता है फ्रियॉन, ठीक है। फॉर्मूला होता है CF2Cl2। बेसिकली आपको पता ही होगा कि CFC गैस जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर इसको मेनली दो लेयर मान सकते हैं, एक ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं और एक स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में जाकर ये डिप्लेशन करता है। खैर इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो समझिए कि लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन हो जाएगा? CFC इन नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है गैस गैस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वह किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। और जो ऑक्सीजन है वह भी किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। तो ये जो मिक्सचर हुआ ये गैस गैस का हो गया। इसमें से बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? तो जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो ज़्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन। हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% और ऑक्सीजन है अप्रॉक्स 20.96%, है ना। सबसे अधिक कौन गैस है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो खैर, तो ऑक्सीजन गैस इन N2 गैस जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा गैस गैस सॉल्यूशन का। चलिए हम लोग इधर आते हैं, अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन में पहला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एलॉय। जितने भी एलॉय होते हैं, एलॉय मतलब कि बहुत सारे जो मेटल्स का एक मिक्स कर दिया जाता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जैसे कि जो गोल्ड होता है, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, उसका जो भी है ज्वेलरी वगैरह नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक प्लीएबल होता है, लचीला होता है, इसलिए उसको हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, उसमें सिल्वर या फिर कॉपर मिक्स किया जाता है ताकि थोड़ा रिजिड हो, तो उसमें कठोरता आए, जिसके बाद हम लोग उसको किसी शेप में चेंज करके ज्वेलरी वगैरह बना पाएँ। तो मतलब वो जो बना जिसमें गोल्ड में कुछ चीज़ मिक्स किया गया, सिल्वर या फिर कॉपर, उसी को क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलॉय होते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह, ये सब भी क्या है? अलॉय हैं। तो खैर जो भी अलॉय होते हैं, जो भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? सॉलिड सॉलिड के। क्योंकि गोल्ड जो है वो भी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और जो सिल्वर है वो भी है इन द सॉलिड स्टेट। तो वो जो मिक्सचर बनेगा उनका वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड है यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट और लिक्विड है एज अ सॉल्यूट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो सॉल्ट, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, देखो दो तरह के सॉल्ट होते हैं। आप लोगों को ये पढ़ना था 11th क्लास में, एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक लास्ट टॉपिक आता है ये, ठीक है, पढ़े तो बहुत बढ़िया था, सुन लो बस दो मिनट। सॉल्ट समझते हैं, सॉल्ट कि एसिड बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट और एक होते हैं हाइड्रस सॉल्ट, या एक को हम बोल सकते हैं एनहाइड्रेटेड सॉल्ट और एक को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस सॉल्ट में H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जिस सॉल्ट में H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट।
और जिन सॉल्ट्स में H2O के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट या एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो खैर हम बात कर रहे हैं हाइड्रस सॉल्ट का, जैसे कि एग्जाम्पल से देखें अगर तो CuSO4 into 5H2O, MgSO4 into 7H2O, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि जिसमें कि वाटर के मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ, ये हुआ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो जो सॉल्ट है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो वाटर है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट है गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और जो सॉल्यूट है वो गैस है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ठीक है, यहाँ पर पैलेडियम जो है वो किस फॉर्म में होता है, पैलेडियम एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक जो है तो पता है ना चार ब्लॉक है SPADF, जो डी ब्लॉक है उसमें पैलेडियम एक एलिमेंट आता है। और ये जो एलिमेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं, मतलब इनका एटम काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है तो थोड़ा बड़ा इनका सेल वगैरह एटम वगैरह हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बहुत छोटा गैस है तो इंटर कर जाता है, और इंटर करके जो है इसमें क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो है सॉल्यूशन का टाइप खत्म हुआ। देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या है, फिर हम लोग पढ़े कि सॉल्यूशन जो होता है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े कि बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट के इसको आप नोट कर लेंगे, बेहतर होगा पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बोलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल एग्जाम पूछता है, मान लो एग्जाम पूछ दिया गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो क्या समझोगे, जो पहले लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है, जो बाद में लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट है। अब लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड, तो पहले कौन है सॉलिड, तो सॉलिड क्या हुआ सॉल्यूट, और लिक्विड है कौन वाटर, लिक्विड मतलब, लिक्विड मतलब कि लिक्विड क्या हो गया सॉल्वेंट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा शुगर इन वाटर। तो इस तरह से जो है आपको समझना है, और एग्जाम में अगर आएगा तो इसको लिख के आना है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करेंगे, तो फिर से सुन लो एक बार अभी तक क्या क्या पढ़ें। अभी तक हम लोग पढ़ें कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, फिर पढ़ें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, फिर पढ़ें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में से किस पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है, उसके बाद हम लोग देखें कि सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं। तो हम लोग देखें कि सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, कौन कौन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और कौन होता है गैस सॉल्यूशन। फिर सॉलिड सॉल्यूशन का तीन टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन का तीन टाइप, गैसियस सॉल्यूशन का तीन टाइप, और फिर सबका हम लोग एग्जांपल देखें। तो यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डालिए हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक लिखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बेसिकली दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, देर आर टू वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन तरीका होता है, तो पहला तरीका होता है क्वालिटेटिवली, और एक होता है क्वांटिटेटिवली। एक हुआ क्वालिटेटिवली और एक कौन हुआ क्वांटिटेटिवली। अगर हम बात करें क्वालिटेटिवली, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। देखिए ये किसी भी सॉल्यूशन को
डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बोल नहीं सकते हैं, बल्कि उसमें क्या होता है कि एक उसको हम केवल कंपेयर कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे कि जैसे देखो क्वालिटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी सॉल्यूशन होते हैं कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अनदर इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो, सॉल्यूट की अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट अधिक हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और दो तरह के सॉल्यूशन हुए, एक हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो डैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो इस मान लो दिया हुआ है कि दो ट्यूब है हमारे पास, दो कंटेनर है, दोनों में वाटर है 100 ml, इसमें भी है 100 ml वाटर, इसमें भी कितना वाटर है 100 ml वाटर। मान लो इसमें डाला गया शुगर 5 ग्राम, इसमें ऐड किया गया शुगर 10 ग्राम, इसमें कितना है 5 ग्राम, इसमें कितना है 10 ग्राम। अब इन दोनों में से पूछा जाएगा कि कौन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जिसमें सॉल्यूट कम वो क्या होता है डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा वो क्या होता है कंसंट्रेटेड। तो अगर हम देखें एक में देखें पहले वाले में, तो इसमें क्या है, इसमें जो पहले वाले में जो सॉल्यूट है कितना है 5 ग्राम, मतलब पहले वाले में सॉल्यूट कम है, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसमें चूंकि सॉल्यूट ज़्यादा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन देखो ये फिक्स नहीं है, अगर मान लो कि ये हो जाए 3 ग्राम तो क्या होगा, मान लो कि ये 5 ग्राम है ये 3 ग्राम हो जाए तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये हो जाएगा डाइल्यूट और ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड। मतलब कि ये रिलेटिव चीज़ें हैं, दूसरे पर डिपेंड करता है, हम किसी भी सॉल्यूशन को डायरेक्टली डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर इसका मतलब एकदम सटीक डिफिनेशन देखा जाए तो यही होगा, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसमें सॉल्यूट कम होगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो खैर ये मतलब एक सही तरीका नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वी यूज क्वांटिटेटिवली मेजर, क्वांटिटेटिवली मेजर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके फॉर्म में हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से वो टर्म्स हैं, देखिए पहला है मोलारिटी, क्या है मोलारिटी, सेकेंड है मोलालिटी, थर्ड है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ है मास परसेंटेज। ठीक है, इसका सिंबल लिख सकते हैं W/W, इसका सिंबल होता है मोलालिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, मोलालिटी का सिंबल होता है small m, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है जाइल, इसको जाइल पढ़ते हैं, ठीक है इसको क्या पढ़ते हैं जाइल, मोल फ्रैक्शन का सिंबल। उसके अलावा हम देखें अगर तो वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, वॉल्यूम परसेंटेज इसका सिंबल होता है V/V, और अगर हम देखें तो होता है इसमें पार्ट्स पर इसको बोलते हैं PPM। तो ये सब तरीका है, और भी होता है इसमें फॉर्मालिटी होता है नॉर्मलिटी होता है, लेकिन वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, बुक में नहीं दिया है, इसको आप हो सके पढ़े होंगे 11th क्लास में, अभी इसको नहीं पढ़ना, अभी हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो मेन चीज़ जो हमारे पास है वो है मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। हालांकि इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था, उसके बाद फिर 11th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन चूंकि यहाँ भी पढ़ना है और NCERT में दिया हुआ है इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो अभी से हम लोग क्या क्या देखें कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एक एक्सप्रेस किया जाता है क्वांटिटी के बेसिस पर और एक एक्सप्रेस किया जाता है क्वालिटी के बेसिस पर। क्वालिटी के बेसिस पर जो कंसंट्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है, जो सॉल्यूशन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डायल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट कम डेट इज कॉल्ड डायल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए क्वांटिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मलिटी। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मोलारिटी से। लेकिन एक बात, ज़रूरी बात आप लोग के लिए है कि बिना मोल पढ़े हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए मोल के बारे में। ठीक है, कि मोल को कैसे फाइंड किया जाता है और मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, वो सब पता होना चाहिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा आगे का। इसलिए अगर अभी तक नहीं पढ़े मोल के बारे में तो बेहतर होगा, एक वीडियो होगा मोल का, फिर वीडियो हिंदी में होगा लेकिन समझ सकते हैं, फार्मूला वहाँ पर लगभग लगभग लिखे हम सब फार्मूला, तो उसको आप देख लीजिए या अगर पहले पढ़े तो रिवाइज कर लेना उसको, क्योंकि आगे आप सॉल्यूशन में जो भी क्लास होगा उस सब क्लास में मोल का यूज होगा और मोलर मास का भी निकालने का यूज होगा, इसलिए उसको आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। उसे चलिए थोड़ा सा हम भी बता देते हैं मोल के बारे में शॉर्ट में, जो लोग भूल गए हैं पर याद हो जाएगा। देखिए तो मोल, हालांकि मोल एक बहुत मतलब बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आधा एक घंटा का क्लास उसमें लगेगा और एक वीडियो होगा भी उस पर, सही देख लीजिएगा उसको। लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसमें बोलें कि जो मोल होता है, मोल का मतलब क्या होता है, देखो मोल का मतलब क्या होता है, मोल कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, ना ही मोल कोई हिंदी टर्म है, मोल एक ग्रीक टर्म है और मोल का इंग्लिश से मतलब होता है हीप और पाइल। ठीक है, इसे बोलते हैं हीप ऑफ गार्बेज, मतलब कि कचरे का ढेर, या हम बोलते हैं पाइल ऑफ क्वाइंस, मतलब कि सिक्कों का ढेर। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब इसी को ग्रीक में, जैसे हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उसी को ढेर बोल रहे हैं, अंग्रेजी में उसी को हीप या पाइल कहा जाता है और ग्रीक में उसी को मोल कहा जाता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट ही नाम था एवोगैड्रो, एवोगैड्रो ने बताया था कि मोल जो होते हैं, उन्होंने मतलब बताया था कि जहाँ भी 6.022 × 10³ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, वन मोल कहा जाएगा। ये बात किसने बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था, और इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, उसके अलावा हम आगे देखें अगर, तो मोल के बेसिकली दो फार्मूला होते हैं, हालांकि तीन चार फार्मूला होता है लेकिन दो मेन फार्मूला है जो याद रखना चाहिए और वही काम आएगा इस चैप्टर में। फर्स्ट फार्मूला होता है मोल इजकल टू, मोल के सिंबल से होता है एन, स्मॉल एन, और मोल इजकल टू होता है गिवेन मास बाय मोलर मास। इसका गिवेन मास का सिंबल होता है डब्ल्यू और मोलर मास का सिंबल होता है एम। गिवेन मास का सिंबल क्या होता है डब्ल्यू और मोलर मास का सिंबल क्या होता है एम। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट फॉर्मूला हुआ इसका, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मान लो कि कैसे निकलेगा, मोलर मास निकालने तो आता होगा, नहीं आता है तो पहले एटॉमिक नंबर याद करो, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर कम से कम याद रहना ही चाहिए, बाकी सब भी आगे याद हो जाएगा लेकिन 1 से 20 तक फिलहाल याद रहना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। 1 से 20 तक मतलब कि हाइड्रोजन से लेकर, और 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है, तो उतना आपको याद रहना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको याद होगा, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, है ना, जैसे मान लो कि कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो उसके हम मास निकालते समय क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया, 12, है ना। और अगर एटॉमिक नंबर जो है ऑड नंबर है, जैसे मान लो कि है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, इसका मास कितना हो जाएगा। तो अगर ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो 9 × 2 = 18 और 1 कितना हो गया, 19। मतलब अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, तो अब आपको इसे पता होगा, आपको पता होगा ये सब बहुत बेसिक बातें हैं।
अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ऑड नंबर है तो टू से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं। ओके, उसके अलावा हम देखें तो कुछ एक्सेप्शन है एक से बीस तक जो किस पर फिट नहीं बैठता है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी वन होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी वन होता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन होता है तो मास नंबर कितना होना चाहिए था, सेवन कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो मास में कितना होना चाहिए था 15, लेकिन 15 नहीं होता है, कितना होता है 14 होता है। वैसे अगर हम देखें, आपको देखें हम अगर क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो मास में कितना होना चाहिए था 35, लेकिन होता है 35.5। एक्सेप्शन है, देखो ये कोई नियम नहीं है, ट्रिक है। कि एटॉमिक नंबर अगर इवन नंबर है दो से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ऑड नंबर है ये भी केवल 20 तक लागू होता है, अगर यूज़ भी उतना ही आता है, उससे अधिक कभी भी यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर है दो से मल्टीप्लाई कर दो, ऑड नंबर है तो दो से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो इस पर फिट नहीं बैठता है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और अगर हम देखें तो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो मास नंबर कितना होना चाहिए था 36, जबकि होता है कितना 40। तो आपको इस तरह से मतलब एटॉमिक नंबर निकाल याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आप एटॉमिक मास फाइंड कर पाएंगे। एटॉमिक मास अगर फाइंड कर लेंगे तो वहाँ से जो है आप मोलर मास भी फाइंड कर लेंगे, मतलब कि मोलिकुलर मास। जैसे मान लो दिया हुआ है अगर H2O, पूछे आपसे बताइए H2O का मास कितना होगा, तो H2O का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 1 × 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, और इन दोनों को हम बोल सकते हैं मोलर मास, समझ रहे बात ना। इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, सपोज नाइट्रोजन का मास कितना है तो 14, एटॉमिक मास हुआ। पूछे कि H2O का मास कितना है तो 18, तो ये क्या हुआ मोलिक्यूलर मास हुआ, क्योंकि मोलिक्यूल है ना, H2O क्या है मोलिक्यूल है। जैसे मानो दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, पूछे कि बताइए इसका मोलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, कीजिए खुद से, कर लिए, चलो हम करते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 20, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40, है ना, क्योंकि 20 इवन नंबर है, दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, और कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 16 × 3, इसको आप ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे एटॉमिक मास मोलिकुलर मास कैसे होता है। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए तभी आप ये सब कर पाइएगा, तो बेहतर होगा पहले 1 से 20 तक में याद करो तभी आगे पढ़ो, उसमें ना बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास का सिंबल क्या होता है W, और मोलर मास का सिंबल क्या होता है M। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा मान लो दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल सा चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ बता रहे हैं अभी हम, क्योंकि यही आगे यूज होगा, जिसको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता ध्यान से देखो इसको। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम का मोल क्या होगा, तो मोल इक्वल टू क्या होता है W/m। डब्ल्यू मतलब गिवन नंबर, एम मतलब मोलर मास, गिवन मास सॉरी डब्ल्यू मतलब गिवन मास, एम मतलब मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 46, और सोडियम का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। 11 कौन नंबर है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का अगर मास निकालना हो तो क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं, दो से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 22, ठीक है, एक ऐड कर दें कितना हो गया 23। तो यहाँ पर कितना हो गया 46/23 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 मोल, समझे। गिवन मास वो मास है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मोलर मास वो मास है जो कि हम उसके फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अब अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोज नंबर, क्या होता है गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब मेरे ख्याल से एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं क्या होता है, कितना होता है बताया ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है 6.022 × 10³। गिवन नंबर का सिंबल होता है एन,
और एवोगैड्रोज नंबर का सिंबल होता है एन नॉट, तो क्या हो गया एन बाई एन नॉट। मान लो दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 3.011, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 3.011 इंटू 10^23 एटम ऑफ नियॉन, मतलब नियॉन का इतना एटम दिया है तो उसका मोल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, गिवन नंबर कितना दिया हुआ है 3.011 इंटू 10^23, और एवोगैड्रोज नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10^23, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल। इस तरह से आप मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोल बेसिकली दो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी फॉर्मूला होता है पढ़ेंगे 11 क्लास में रिवाइज कर लीजिए उसको, बहुत बढ़िया। नहीं तो अभी आपको दो फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, यही मेन है, सबसे मेन यही है, यही बार बार यूज आएगा। उसके अलावा आपको मोलर मास निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो अगर दे दिया H2SO4 और पूछे बताओ H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 × 2। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो क्या हो जाएगा 16 × 4, इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 98 ग्राम। मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोलिकुलर मास, या फिर इसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो आपको इतना आना चाहिए, इतना अगर आपको आता है तो फिर आपको आगे सॉल्यूशन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब दिक्कत यही करता है, जिसको नहीं पता होता है मोल निकालना या फिर मोलर मास निकालना उसी को दिक्कत होता है। इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अब मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको अगर बेहतर होगा कि इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना पीछे करके, अब पहले से अगर पढ़े हुए थे तो रिवाइज कर लेना निकाल के एक बार, क्योंकि आगे इसका यूज आने वाला है, चैप्टर के लास्ट तक यूज आएगा मोलर मास और फिर मोल का। फिर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, मोलालिटी, इन सब चीज़ों का भी यूज आगे आने वाला है। तो टॉपिक लिखिएगा मोलारिटी। मोलारिटी मेरे ख्याल से पहले भी पढ़े होंगे, 11 क्लास में ही पढ़ना था, 9 क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन चूँकि अभी फिर NCERT में दिया हुआ है और इसे क्वेश्चन भी आता है, उनको पढ़ लेना चाहिए। जो पढ़ा है वो बेहतर होगा कि एक क्वेश्चन लास्ट में देंगे, एक दो क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और उस तरह कहीं क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो टॉपिक क्या लिखे, टॉपिक लिख दो मोलारिटी, मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, कैपिटल M मोलारिटी, ठीक है। देखो मोलारिटी क्या होता है, अभी तक हम लोग को क्लियर हो चुका है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुका है। अब देखिए ध्यान से कि मोलारिटी क्या होता है। देखो एक लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है उसी को मोलारिटी कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है, उसमें शुगर का जो मोल है, शुगर यहाँ पर कौन होगा सॉल्यूट, चूँकि कम है ना, और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं, और वाटर यहाँ पर क्या होगा सॉल्वेंट। तो शुगर का जितना मोल प्रेजेंट होगा एक लीटर सॉल्यूशन में उसी को क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। मान लीजिए कि शुगर और वाटर को मिलाकर एक लीटर सॉल्यूशन बनाया गया, उसमें जो शुगर का नंबर ऑफ मोल है वो मान लो 5 मोल है, 5 मोल शुगर एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। पूछा जाए बताइए यहाँ पर जो है मोलारिटी क्या है सॉल्यूशन की, तो हम क्या बोलेंगे 5 मोल पर लीटर। जितना सॉल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, मोलारिटी कहा जाता है। तब चाहे उसे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी, ठीक है। एक लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, मोलारिटी कहा जाता है। और मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, ठीक है। इसका देखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे इसका क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमेशा लेना होता है इन लीटर। किस में लेना होता है? लीटर में लेना होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ सॉल्यूट आएगा उसके लिए हम बी यूज़ करेंगे सिंबल के रूप में, और जहाँ जहाँ सॉल्वेंट आएगा उसके लिए हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, लेकिन चूंकि पूरे चैप्टर में बार बार ये चीज़ें आएंगी तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि सॉल्वेंट के लिए हर जगह ए यूज़ किया जाएगा और सॉल्यूट के लिए हर जगह बी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब मोल का सिंबल क्या होता है? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एन बी, बी मतलब सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बाई वी, वॉल्यूम वी का वॉल्यूम का सिंबल क्या हो जाएगा? वी। और वॉल्यूम किस में लेना है? तो वॉल्यूम लेना है इन लीटर, इन लीटर। तो अगर हम पूछें बताइए मोलारिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मोलारिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो मोलारिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखो ऊपर में क्या है? मोल। ऊपर में क्या है? मोल, तो हो गया मोल। और नीचे में क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में है? वॉल्यूम है इन द लीटर, तो क्या हो गया? मोल पर लीटर। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इन्वर्स। आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इन्वर्स, ठीक है। समझे अभी तक मोलारिटी क्या होता है? एक लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को फार्मूला कैसे लिखते हैं उसका? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। अगर पूछे आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें मान लीजिए करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है अगर कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का ये, फाइंड द मोलारिटी ऑफ, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। बोर्ड में ये क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। फाइंड द मोलारिटी ऑफ 20 ग्राम, अब वैल्यू भी हो सकता है 40 ग्राम दिया हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। बनाइए इसको, बेहतर होगा। वीडियो को पॉज से खुद से बनाओ, फिर हम बनाते हैं। बना लिए, चलो हम बनाते हैं। देखो तो इसमें क्या करना है, निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में लेना होता है? वॉल्यूम लेना होता है इन लीटर, ठीक है। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, एन भी निकालते हैं। तो मोल क्या होता है? मोल होता है गिवेन मास बाई मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब गिवेन मास कितना है सॉल्यूट का? सॉल्यूट कौन है? NaOH। और NaOH का गिवेन मास कितना है? 20। और NaOH का मोलर मास कितना होगा? निकालो इसका मास कितना होगा। NaOH सोडियम है, सोडियम का मास कितना होता है? 23। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 23 होगा, होगा ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो ये हो गया 1। इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। मतलब NaOH का जो मोलर मास है वो कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया? 20। 20 इज द गिवन मास ऑफ NaOH, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH? दिस इज 40। ओके, सो दिस विल बी 1/2 मीन्स 0.5 मोल। सो हाउ मच मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन? दिस इज 0.5 मोल। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? यू कैन सी दैट वॉल्यूम इज गिवन इन ml, एंड दैट इज 200 ml। So for converting this ml into liter, we have to divide it by 1000. So it will be 200 by 1000 means 0.2 liter. Now we have mole of solute
एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो वी कैन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय डिवाइडिंग बोथ. सो नंबर ऑफ मोल इज 0.5 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2 लीटर. सो दिस विल बी 5/2 मीन्स 2.5 मोल पर लीटर. दिस विल बी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. देखिए कैसे निकाले, एकदम सिंपल सा चीज़ था. इसको आप चाहिए मतलब इतना हम किए समझाने के लिए, बाकी भी सोचा तो खुद से भी कर सकते थे, एकदम इजीली कर सकते थे कि 20 ग्राम है ये 40 होता है, 0.5 आएगा ये और 0.2 है 2.5 होगा. लेकिन तरीका ये हो बनाने का कि आपको पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इन द लीटर. फिर आपको निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का मोल, फिर उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मोलारिटी जो है निकल जाएगा. एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक होगा मोलालिटी, लेकिन पहले इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. तो यहीं पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतर होगा इसको आप खुद से बनाइएगा. थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, टॉपिक यही है मोलालिटी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलारिटी. देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें जो है CaCO3 का अमाउंट निकालना है, ठीक है, और इसमें आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके अलावा आपको जो है मोलारिटी भी दिया हुआ है. तो बेहतर होगा, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है. अगर आप सही से समझे हैं पिछली बातों को तो आप इसको बना सकते हैं. तो बेहतर होगा वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए इसको, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, कर लिए, चलो अब हम करते हैं. देखो तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर हमको थोड़ा इसको और हम तोड़ते हैं. देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या होता है, एन बी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवेन मास बाय मोलर मास, मतलब एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी. तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा WB by MB into V. तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 0.5, और WB कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है. और मोलारिटी कितना है, मोलारिटी होता है, सॉरी मोलारिटी नहीं, MB क्या है, MB है मास ऑफ CaCO3. तो मास ऑफ CaCO3 कितना है, यहाँ पर हो गया आपको 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, दिस विल बी 100. तो यहाँ पर कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना हो गया 2. तो आपको WB इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 100 इंटू 2, सो दिस विल बी 1 इंटू 100 मीन्स 100 ग्राम. देखिए इसमें बस किए क्या, हम एन बी की जगह लिख दिए डब्ल्यू बी बाई एम बी, सेम चीज़ है, क्योंकि एन क्या होता है, एन होता है मोल, और मोल क्या होता है, गिवेन मास बाई मोलर मास. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये निकालना था, तो ये वैल्यू पुट किया निकल गया. तो आपको बेसिकली ये याद रखना चाहिए, तो आपको कोई भी वैल्यू, तीन वैल्यू देगा, फोर्स निकालना होगा, आप यहाँ से उसको निकाल पाएंगे. ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और उसके आगे के टॉपिक्स में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद.